फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। क्लास 12th की अकाउंटेंसी हमारी चल रही है। और जैसे कि हम कहते हैं, क्या है अकाउंटेंसी? सबसे आसान है। अकाउंटेंसी से आसान तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो चलिए हम इस अकाउंटेंसी को आसान बनाते हुए, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टर्म टू की डेट शीट आ चुकी है, जिसके लिए मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था। आपको पता चल गया होगा टर्म टू की डेट शीट, और आप सभी हैप्पी होंगे अपनी टर्म टू की डेट शीट से। अब कुछ बच्चे टेंशन में होंगे कि टर्म टू की डेट शीट आ चुकी है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट्स जो है, हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ है। जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक डीप ब्रेथ लीजिए और ये कोशिश कीजिए कि अभी जो टाइम बचा है आप लोगों के पास, ये बहुत है। और इसमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 2-3 times उसका रिवीजन भी कर लेंगे, सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लेंगे, और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। 100% की हम प्रिपरेशन करते रहेंगे। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को ये मोटिवेट कीजिए आप, ठीक है? क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है। आप बाहर से इतना मोटिवेशन नहीं ले सकते जितना आप खुद से खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम देखते हैं कि हमारे जो अकाउंटेंसी है उसमें जितने चैप्टर्स हैं, क्योंकि मैं पिछले के बहुत दिनों से, मतलब 6-7 days से मैं प्रॉपरली वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई थी, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कुछ सिखाने से रिलेटेड। हालांकि शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए थे, क्योंकि वो जो मैंने सॉल्यूशन किया था, इनके ही मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए थे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। और थोड़ी सी मैं तबीयत भी ठीक नहीं थी, मतलब मैं बाहर भी थी, और तो इसलिए मैं प्रॉपर अपलोड नहीं कर पाई थी वीडियोस। लेकिन अब हम वीडियो रेगुलर अपलोड करेंगे, तो उसमें हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास डेज बचे हैं, इन डेज में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। और प्रिपरेशन करना है तो प्रिपरेशन, पहले सिलेबस कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट सिलेबस। उसके बाद हमारा रिवीजन, ठीक है? कंप्लीट सिलेबस, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपका रिवीजन, रिवीजन के बाद आपका सैंपल पेपर सॉल्व होने चाहिए। जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, फिर आप एग्जाम में बहुत अच्छे से अपने आप को बैठने के लायक समझ सकते हैं कि अब आपकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अब हम पूरा प्रिपेयर हैं एग्जाम देने के लिए। तो अब इसको क्या करना है? क्या हम इसको एग्जाम तक करेंगे जब तक हमारे एग्जाम्स आएंगे? नहीं, हमें अभी, मार्च चल रहा है और कल होली भी है, कल छोटी होली, परसों बड़ी होली, और आप सबकी होली की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो उस होली में आप ये नहीं भूलिएगा कि आपके एग्जाम्स भी हैं, होली इन्जॉय कीजिए बहुत अच्छे से, इन्जॉय कीजिए, ठीक है? तो मैं आपको सभी को विश करना चाहती हूँ, विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। तो सबकी होली अच्छी होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, कलर्स का फेस्टिवल है, कलरफुल ही होगी होली। तो हमें होली भी खेलनी है, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी करते रहना है, पढ़ाई से दूर नहीं जाना है। अगर हम ये देखें कि हमारे जो चैप्टर्स हैं वो हमने अभी तक कितने किए हैं, कितने नहीं किए हैं, क्योंकि अभी जो है डिलीटेड पार्ट नहीं करेंगे। मैं आपको यही बताते हुए चल रही हूँ कि जो हमारा सिलेबस का पार्ट है वो हम पूरा अच्छे से करेंगे, कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अगर हम वॉल्यूम 1 देखते हैं, तो वॉल्यूम 1 में हमें अभी क्या क्या करना है, और उन सारे क्वेश्चन TS ग्रेवाल के पहले क्वेश्चन करने हैं। NPO करना है, रिटायरमेंट है आपका, डेथ है आपका, और डिसोल्यूशन है। ये तो है आपके किसके, वॉल्यूम 1 के चैप्टर। अगर हम आते हैं वॉल्यूम 2 में, तो वॉल्यूम 2 में बस हमारा जस्ट एक ही है, इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है? और अगर आपने देखा होगा, ये भी हमने शुरू कर लिया था, इसके भी कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे। अगर हम वॉल्यूम 3 पर आते हैं, तो वॉल्यूम 3 अगर हम देखते हैं, तो वॉल्यूम 3 में आपका आ रहा है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। और अगर हम देखते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारे चैप्टर्स हैं। अब आप कहेंगे, मैम ये तो हमें पता था। चलो पता था तो अब हम ये भी, मैंने ये चैप्टर इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैं एक बार ये देखना चाहती हूँ, जो मेरी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप लोगों की मुझे DMs आ रहे हैं या फिर मेल्स आ रही हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। मैंने पर्टिकुलर हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना? तो आप लोग जो मेरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में मैंने अभी वो टर्म 2 के लिए ही है, अगर आप देखेंगे तो क्लास 12 टर्म 2 का सिलेबस है उसमें। और अगर आप उसमें डेथ खोलेंगे, तो उसमें डेथ के क्वेश्चन जो 23 तक टॉपिक है आपके, जैसे डेथ ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर की डेथ हुई है तो उसको क्या रेशियो होगा, उसको कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा, उसकी कितनी गुडविल होगी, उतना पार्ट हमने किया है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में कुछ क्वेश्चन किए हैं अभी, और कुछ बाकी रिमेनिंग मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी जल्दी से ही। मैं कोशिश करूंगी कि होली तक, ये जो 1-2 दिन है, इनमें रेगुलर
मतलब बैक टू बैक वीडियोज अपलोड कर दूँ सारे ही चैप्टर्स की कंपैरेटिव। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये मैंने पूरी प्रिपरेशन आप लोगों के लिए ही की है, बट थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है। ये तो डेथ के क्वेश्चन से मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आई होप आपने देखा होगा। अगर आपको दिख रहा होगा मैं वीडियो ये कर देती हूँ, मैंने देखो ये सारे हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है ना, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, बहुत अच्छे से हमने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। तो यहाँ तक थे हमारे 23rd ये वाला टॉपिक था, इतना ही आ रहा है हमारा टर्म टू में, ठीक है। इससे आगे का रिलेटेड पार्ट है वो जो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट वो नहीं है सिर्फ उसका। फिर हमने कंपैरेटिव शुरू किया था, कंपैरेटिव की मैंने एक वीडियो डाली थी, देखिए इसके मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पूरे, क्योंकि अगर मैं पढ़ाते टाइम ये फॉर्मेट बनाऊंगी ये सब चीज़ बनाऊंगी तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत लेंदी वीडियो चाहिए, तो इसलिए मैंने पूरी प्रिपरेशन पहले से कर रखी है कि हम आपको सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखा दूँ, आपको समझा दूँ कैसे आपको करना होता है ये सारे क्वेश्चन, ये पूरे मैंने पूरी मेहनत करके पूरा बना दिया है आपका, है ना 26 क्वेश्चन में। फिर हमने वॉल्यूम 2 का चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, आई होप आपको याद होगा हम ये भी कर चुके थे, है ना। इसमें हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे, टॉपिक टू का 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे, इससे आगे इसको करेंगे। तो आप देख रहे हैं तो मेरा ये सारा कंटेंट बना हुआ है, बस मुझे वीडियो बनाकर अपलोड करनी है, थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज था तो इसलिए अब जो वीडियोज चलेंगे बैक टू बैक वीडियोज चलती रहेंगी। अब आप लाइन वाइज वीडियो देखते रहिए और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ये चीज़ याद रखना, प्लेलिस्ट खोलो और अगर आपको एक चैप्टर, अगर आपका टारगेट है कि आपको एक चैप्टर एक दिन में करना है, तो जैसे कि हमारे ये चैप्टर्स हैं अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर हैं और 7 डेज में आपको कंप्लीट करने हैं, तो मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस होली तक मतलब होली के नेक्स्ट डे 20 तक मैं सारे चैप्टर्स जो है अपलोड कर दूंगी, और जब ये सारे चैप्टर्स अपलोड हो जाएंगे फिर आप उनको डे वाइज देख सकते हैं। डेथ वाला अपलोड हो चुका है, अपलोड है वो पूरा डेथ वाला, कंपैरेटिव वाला भी मैं आज अपलोड कर दूंगी, इश्यू और डिबेंचर्स का आधा अपलोड हो चुका है, हाफ मैं अपलोड कर दूंगी, बाकी रिटायरमेंट जिनका नहीं हुआ है एक एक दिन के चैप्टर्स हैं उनको आप वीडियोस को देखिए अच्छे से समझिए और बैक टू बैक आप सारी वीडियोस देखते रहिए, लेकिन एक ही चैप्टर देखिए एक दिन में कवर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप पहले से प्रिपेयर हैं आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप उसको देख सकते हैं अच्छे से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने ख़त्म किया है ये कि ये हम कैसे रिवाइज करेंगे, हमें मार्च 7 डेज लगाने हैं, वो 7 डेज में चैप्टर्स क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सॉल्यूशन किसका, कंपैरेटिव वाले चैप्टर को सॉल्व करके मैं अपलोड करने वाली हूँ, बस कंपैरेटिव वाला, फिर उसके बाद डेथ हो चुका है, फिर रिटायरमेंट देखेंगे या फिर ये जो है इशू डिबेंचर इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर, जैसे भी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।